माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार को हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई। वह लंबे समय से बांदा जेल में बंद था और वहीं गुरुवार को फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद तुरंत बांदा मेडिकल कॉलेज में उसे ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुख्तार अंसारी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में भी आरोपी था। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले कृष्णानंद राय की साल 2005 में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद पूरे प्रदेश भर में मुख्तार और अफजल अंसारी का नाम कुख्यात हो गया था। साल 2002 विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने अंसारी बंधुओं के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद सीट से अफजल अंसारी को मात दी थी। इसके बाद अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच 36 का आंकड़ा हो गया था। 29 नवंबर 2005 को एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप मुख्तार अंसारी गैंग पर लगा था। हत्याकांड से पूर्वांचल समेत पूरा प्रदेश थर्रा गया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के दौरान करीब 500 राउंड गोलियां चलाई गई थी। हत्याकांड में मारे गए 7 लोगों के शरीर से लगभग 67 गोलियां बरामद हुई थी और बाद में मामले में गवाह रहे शशिकांत राय की भी मौत हो गई थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वाराणसी में धरने पर बैठ गए थे। कृष्णानंद राय को गाजीपुर जिले में एक क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वे वहां पहुंचे और प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, लेकिन वहां से लौटते समय अंसारी गैंग के अपराधियों ने राय के काफिले पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक करीब 500 राउंड गोलीबारी की गई। कृष्णानंद की हत्या के बाद बीजेपी नेताओं में काफी आक्रोश भी फैल गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर डाली, लेकिन शुरुआत में इससे इनकार कर दिया गया था। बाद में इसे सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन 6 महीने बाद ही सीबीसीआईडी ने ये मामला छोड़ दिया था। इससे आहत कृष्णानंद राय की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर करके सीबीआई मांग की जांच की थी। मई 2006 में अलका राय की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने 3 जुलाई 2019 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें गाजीपुर में पूर्व बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, रफीक और 5 अन्य सहित सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।